चोर बाजार में भी नहीं बिकेगी। थोड़ी आ जाए, चोर नहीं मचाना वरना मैं कुछ नहीं मचाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। अरे मैं कुछ नहीं मचाऊंगा। किशोर, तुम्हारे कमरे में नकाबपोश चोर है। क्या कह रहे हैं? अरे उधर है मेरा बाप और उसके हाथ में पिस्तौल है। अगर उसके हाथ में पिस्तौल है तो हमारे भी चार हाथ। नहीं, 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 मैं नहीं आऊंगा। तुम कुंवारे हो, तुम जाओ। मेरी बीबी है एक एक और मेरे चार छह बच्चे, तुम जाओ, मैं जाता हूँ। मैं वार्डन नहीं, किशोर। हाय किशोर, ये क्या हरकत है यार? क्या करता, बाहर गया तो बगैर पास से, वापस आया तो पाइप चढ़ के, अंदर आए तो हुए दर्शन मुझे वार्डन के। अब बाज आ जाए इन हरकतों से। अगर मैं तेरा जिम्मा ना लेता तो कब का हॉस्टल से निकाल दिया गया होता। देख यार, एहसान करता है तो जताया ना कर। हाँ देख अशोक, तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। कॉलेज में हमारा ये आखिरी साल है, आए दिन तेरी रिपोर्टें शिकायतें। ये कॉलेज है, कोई अखाड़ा नहीं। यार तू कहता बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जन्म जन्म का टेढ़ा हूँ, एकदम सीधे कैसे हो जाऊँ? कोशिश तो कर। अरे यार शेर लाख कोशिश करे गधा नहीं हो सकता। लेकिन अशोक, गुड नाइट। मेरा होमवर्क कर दिया? तो वो नकाबपोश तुम थे? यस सर। सर सर क्या करते हो? हॉस्टल में कवालिया तुमने गाई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ट्रू सर। भांगड़े नाचे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वेरी ट्रू सर। दूसरे स्टूडेंट्स की पॉकेट तुमने साफ की, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सर आपके करेक्टर में बड़ी मजबूती है, अपनी आदत क्यों खराब करते हैं आप? आप कभी माफ कर दीजिए ना। तुमने क्या मुझे देवता का माफी नो माफी का देवता समझ रखा है? नो सर। अभी के अभी हॉस्टल खाली करो,
गेट आउट। सर सोच लीजिए, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो इस हॉस्टल की बाहर चली जाएगी, कसूरवार ना रहेगा, आप माफ किसे करेंगे? शट अप। सर सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किशोर तुम एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, तुम्हारी वजह से मैंने इसकी हर खता माफ की, मगर अब पानी सर से ऊपर हो चुका। प्लीज सर, अब इम्तिहान में दिन कितने बाकी रह गए हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर फिर इसने डिसिप्लिन के खिलाफ कोई बात की तो मैं खुद इसे रूम से बाहर निकाल दूंगा। इतना रखिए सर, मैं अपने आप ही निकल जाऊंगा यहाँ से। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार माफ कर दीजिए। प्लीज सर। किशोर तुम हमेशा हमारी नरम दिली से फायदा उठाते हो। अशोक माफी मांगो। सर मैं अपने सख्त दिल से प्रायश्चित करूंगा। अच्छी बात है, मगर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। अब तो शर्मिंदा हो? बिल्कुल नहीं साहब। यार तू किस मिट्टी का बना हुआ है, जरा सोच अशोक, तेरे बड़े भाई अपना पेट काट काट कर तुझे किस लिए पढ़ा रहे? इसलिए कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखों की अब आवश्यकता है। यार तो हर बात हंसी मजाक में। मैंने रोने धोने की दुकान नहीं खोल रखी। देख किशोर, तेरी मेरी करोड़ों सालों की दोस्ती यारी में तूने हमेशा मुझे सीधी राह दिखाई, लेकिन मैंने हमेशा उल्टी डगर पकड़ी। लेकिन तुझे सीधी राह डगर एक ही बात है, तुझे सीधी डगर चलने में तकलीफ क्या होती है? वो जो तुझे उल्टी डगर चलने में होती है, तुझे है सच्चाई से लगाओ, मुझे है झुट्टाई से लगन। देख अशोक, आज ना सही एक दिन तो जरूर मानेगा कि सच्चाई की राह में कलियां होती हैं और झूठ के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। तू जाके देख दो कलियां, मैं जाके देखता हूँ एक फूल चार कांटे। चल यार चाय पियेंगे। मैंने अपना पेट काट काट कर ये रुपए आपको भेंट देने के लिए जमा किए थे, लेकिन क्या करूं, मेरे छोटे भाई का कॉलेज में ये आखिरी साल है, अगर कल तक उसकी फीस ना दी गई तो उसका ये साल जाया हो जाएगा। धर्मदास, अगर ये बात है तो तुम हमेशा टेम्परेरी क्लर्क रहोगे। बाबूजी, आप हमारे मालिक हैं, अब मैं मालिक के सामने झोली ना फैलाऊं तो और कहां जाऊं। धर्मदास, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारा बेटा भी कॉलेज में पढ़ता है, हमारे लिए उसकी पढ़ाई तुम्हारे भाई की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, फिर भी तुम चाहो तो अपने भाई को पढ़ा सकते हो, हम तुम्हारी जगह दूसरे क्लर्क को परमानेंट कर देंगे। नहीं मालिक नहीं, ये लीजिए वही मेज पर रख दो, हम ऐसी माया अपने हाथ से नहीं छूते। अच्छा बाबू जी, मेरा भाई अगले साल पास हो जाएगा, अगले साल। धर्मदास, ये तो सिर्फ 70 रुपए है, बाकी का क्या हुआ? इस महीने इतना ही बन पड़ा बाबू जी, अगले महीने बाकी के 30 हाथ जोड़ कर दे जाना। अच्छा 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 अच्छा, क्या जमाना आ गया है, लोग रिश्वत के मामले में भी उधार कर जाते हैं। शोभा की माँ, शोभा की माँ, क्या है जी? ये लो 70 रुपए और अंदर रख दो। आज ये छुट्टी के दिन रुपए कहाँ से आए? तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? माया कहाँ से आती है ये कभी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, जाति कहाँ है उसका हिसाब रखना चाहिए। एक दो तक धीमे 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 तक लेकिन ऐसी होनहार कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान ने चाहा तो आगे चलकर ये गुरु का नाम भी करेगी और खानदान का भी। लेकिन मास्टर जी, वो दिन कब आएगा? मैंने सुना है सिनेमा जगत में मामूली मामूली लड़कियां भी 10-30 हजार रुपया पैदा कर लेती हैं। डैडी, डांस में शक्ल ही सीख रही हो, डांस सीखने के बाद मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना। हर जी क्या है बेटी, एक्टिंग भी तो एक आर्ट है, एक कला है। जानती नहीं तो तुम्हारे स्कूल में वो रामलाल चपरासी की बेटी रामदेई पढ़ती थी, मांग टांग के दो वक्त रोटी खाते थे। आज वही रामदेई मिस रंभा के नाम से लाखों में खेल रही है। परसों ही मैंने रामलाल को इम्पाला गाड़ी में जाते देखा था, कमबख्त ने मेरी नमस्ते का जवाब सिर्फ एक उंगली उठा के दिया था। माँ समझाओ ना डैडी को, ये झूठे सपने देखना छोड़ दे, मुझे एक्ट्रेस एक्ट्रेस नहीं बनना। तू चिंता न कर बेटी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ,
जब इज्जत से दो वक्त पेट भरता है तो लाखों करोड़ों पर नजर डालने की क्या जरूरत है? जिनके कदमों से तांगे की सवारी ही लिखी हो वो मोटर की कदर क्या जाने। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। अशोक इसी कमरे में रहता है? जी हाँ। आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जी नमस्ते। जी तेरा हो। कहाँ है अशोक? जी वो तो सुबह से गया है, शायद शाम तक लौटेगा। शाम तक? लेकिन मुझे अगली गाड़ी से पूना वापस जाना है। आप अशोक से कह देना मैं आया था और उसकी फीस का बंदोबस्त मुझसे नहीं हो सका। मैंने रुपया जमा करके तो रखे थे लेकिन अपनी तरक्की के लिए एक ऑफिसर को बतौर रिश्वत देने पड़े। रिश्वत? कौन था वो कमीना? किसी का नाम देने से क्या फायदा, मेरी मजबूरी अशोक को समझा दे। आप चिंता ना कीजिए, मैं सब समझा दूंगा। मैं चलूं? कुछ चाय पीएंगे? भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, बहुत बहुत देर। अरे धर्मदास, तुम बंबई कैसे आए? बाबूजी मैंने कहा था ना, मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है, वो इसी हॉस्टल में रहता है। अच्छा अच्छा, तो उसके सालाना इम्तिहान के दाखिले की फीस देने आए? जी फीस कैसे देता, एक दिन की छुट्टी लेकर उसे अपनी मजबूरी समझाने आया था। देखो भाई धर्मदास, वो बकाया रुपए जरा जल्दी पहुंचा देना। किशोर जी आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठिए। पढ़ाई हो रही है? जी हाँ, कम से कम आने की खबर तो दी होती पिताजी। बेटा अचानक तुम्हारे कॉलेज से बुलावा आ गया। मेरी कॉलेज में? हाँ हाँ, मैं भी तो इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। कल तुम्हारे कॉलेज का सालाना जलसा है ना, उसका सभापति मुझे चुना गया है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, उस फंक्शन में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। गुड गुड। बेटा अभी अभी जो आदमी तुम्हारे कमरे से बाहर गया है वो कौन था? मेरे दोस्त अशोक के बड़े भाई हैं, बेचारे बहुत ही गरीब आदमी है। मुश्किल से उन्होंने कुछ रुपए अपने छोटे भाई की फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन अपनी नौकरी में तरक्की के लिए उन्हें वो रुपए किसी बदनीयत ऑफिसर को रिश्वत में देने पड़े। उल्टी हवा चल रही है जमाने में, किसी गरीब से रिश्वत लेना, राम राम राम। बेटा रिश्वत का ये कीड़ा तो हमारी सारी कौम की जड़ों को खोखली कर रहा है। अफसर क्लर्क से रिश्वत लेता है, क्लर्क चपरासी से, और चपरासी जनता से। राम राम राम। माल किसी का, कमाल किसी का। किशोर यार मुबारकबाद दे मुझे, मुबारकबाद दे। आपके बड़े भैया गच्चा खा गए, उन्होंने माल नहीं भरा और मुझे फाइनल में बैठने का फॉर्म नहीं मिला। अशोक पहले पिताजी से तो मिलो। पिताजी ये है अशोक। चाचा जी नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जीते रहो। थैंक यू चाचा जी। अरे अशोक तेरे क्या, तेरे भाई साहब आए थे। तेरी फीस के लिए कुछ रुपए दिए यार। यानी क्या भाई, इम्तिहान के लिए पढ़ना पड़ेगा? अच्छा किशोर बेटा मैं चलता हूँ, शाम को शालीमार होटल में मुझसे मिलना। चाहिए कुछ जलपान करते जाइए। नहीं मुझे जरा जल्दी जाना है। अच्छा बोल बेटा, ये माल अपनी जेब से निकाला है? नहीं यार, तेरे भाई साहब देखे गए। सब समझता हूँ मैं, रात दिन तो तू सच्चाई का रात अलाता रहता है और दोस्त की खातिर झूठ बोलने से भी नहीं तू चूकता। जरा समझ तो, भाई साहब मेरे यहाँ आए होते तो मेरा सुंदर चौकता देखते बगैर यहाँ से वो क्या होता प्रस्थान नहीं करते, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू जा फॉर्म ले। देख यार तू क्यों अपने पूज्य पिताजी की हलाल की कमाई को एक खोटे यार की यारी पर मिसफायर कर रहा। अव्वल तो मैंने पास होना ही नहीं है, आई प्रॉमिस यू। और कहीं पास हो भी गया गलती से तो मेरे पांव का भंवर कहता है कि मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। देख कोई बिजनेस कर लेना, पर जो बिजनेस मैंने करना है उसमें पास होना जरूरी नहीं है। फेल होकर भी बड़े इत्मीनान से ठंडा पानी पीकर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है? हेरा फेरी का। फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये ले जल्दी जा और फॉर्म ले, वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। जा। देख यार माल किसी का, कमाल किसी का। Thank you.
मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। सच की पूजा करने वाले हमने भूखे मरते देखे, झूठ का दामन थामने वाले हमने मौजें करते देखे। फूलों की सेजों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। जिसका मन हो साफ वो गिर कर भी ऊपर आ जाता है। चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। जिसका तारा चमका बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। अपनी तो हर सुबह होली, अपनी तो हर शाम दिवाली। दो दिन की ये दुनिया प्यारे साथ नहीं है जाने वाली। इस दुनिया में सदा कुछ और ही है, देख पर आई आग में जलकर इसका मजा कुछ और ही है। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है।
है दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। है दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। है दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के जलसे की सदारत करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने यहां अच्छी अदाकारी भी देखी और अच्छे विचारों को भी सुना। मेरा विश्वास है कि अच्छे विचार का होना इंसान की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए मैं ये ट्रॉफी अपने बेटे किशोर को देता हूं। अशोक, तू भी मेरे साथ घर चलता, बड़ा मजा आता। मेरे बगैर यहाँ तेरा होगा क्या? किस्मत वालों की परवाह मत कर मेरे दोस्त, जहाँ बैठते हैं महफिल जमा लेते हैं। तू अपनी फिक्र कर, है इस टेढ़ी दुनिया में सीधा चलना बहुत मुश्किल है। तेरी सीढ़ी बदल गई मेरे यार, चल अपना ख्याल रखना। तू ख्याल रखना है, लुक आफ्टर सर। अच्छा है, फिर मिलेंगे। लुक आफ्टर सर, लुक आफ्टर है। अरे दो में बार चलेगा, बार कर मिलेगा, तीन बार एक तो मिलेगा, एक कार मिलेगा, मैं तीन बार लगाओ, दो ही बार ले जाओ, कई बार कार मिला, छोटा बड़ा कार मिला, बड़ा कई बार कार मिला, 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 बोल तो दे, बोल ऋषियों के बेटे, अपनी चोंच खोल बता, तेरी चोंच में किस्मत के मारे चमन बिचारे का क्या हाल लिखा है। महाराज, आप किसके बारे में कह रहे हैं? महाराज बताता हूँ, बताता हूँ। तोता कहता है जो साथ में मेरे बैठा है उसका नाम चमन है। महाराज, क्या ये तोता भृगु संगता है? ये तोता पहले सूर्य लोक में रहता था, जब सूरज गर्म हो गया तो ये उड़कर चंद्रलोक में पहुंच गया, लेकिन जब चंद्रलोक पे दो मनुष्य अपोलो 11 से उतरकर चंद्र पे टहलने लगे तो ये मृत्यु लोक में बाबा धूमधाम दा चहल पहल राम मुच्छर सिंह के पास आ गया। अरे वाह, बाबा धूमधाम दा चहल पहल राम पहल पहल राम मुच्छर सिंह जी, क्या तेजस्वी नाम पाया है आप। शाबाश, जब चरण छू लिए तो दक्षिणा भी दे दो बालक। दक्षिणा देता हूँ, देता हूँ। दस का छुट्टा है क्या? नहीं, पूरी पत्ता रखिए आप तो। इसमें लिखा है कि तुम अक्षरों का यानी के हिंसों का यानी के नंबरों का धंधा करते हो। बिल्कुल ठीक महाराज, मैं रोने का धंधा करता हूँ। और इसमें यह भी लिखा है कि बहुत जल्दी तुम पकड़े जाओगे और सरकारी भोजन आलय में 7 साल चक्की पीसोगे। 7 साल? महाराज कोई उपाय बताइए महाराज। है इसमें लिखा है कि तुम अक्षरों का भेद खोल दो। खोल दो यानी कि बोल दो। महाराज बात ये है कि 3 दफा अगर 3 आ जाए ना तो 4th दफा 13 आता है, 3 दफा 4 आ जाए तो 4th दफा 14 आता है, 3 दफा 5 आ जाए तो 4th दफा 15 आता है। महाराज बस यही हिसाब है, मगर बात आप ही तक रहे। आयुष्यमान आयुष्यमान, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम अपने पाप के फंदे से छूट जाओगे और बहुत जल्दी एक सुंदर नारी छबीली तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक करेगी। महाराज तुम्हें मैं चलता हूँ, वरना नारी दरवाजे पे कुंडली खटखट रही रहेगी और मैं यहाँ बैठा रह जाऊंगा। मैं चलता हूँ। दस्तक देगी वैसे ना? एक का 8 मिलेगा। 20 रुपए नंबर 5। नंबर 5? 20 रुपया? नंबर 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 180 180 में
कमाया है मैं वो वापस नहीं लौटाऊंगा। अच्छा मंजूर है। तनख्वाह कितनी होगी? यही जीत का 25%। 25%। ओके ओके ओके। अरे वाह, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे। चालू दो। लाख बार धन्यवाद जो तूने मेरे भैया की तपस्या सफल कर दी। शोभा, शोभा बेटी, माँ माँ, आज तो मैं भैया से एक पार्टी लूंगी। उसने मुझे वचन भी दे रखा है कि पास होने पर वो मेरी सारी सहेलियों को एक शानदार दावत देगा। वो देखो आ गया मेरा किशोर। किशोर बेटे, किशोर। ये क्या माँ? अरे मुंह क्यों बना रहा है? फर्स्ट क्लास पास हुआ है, क्या माथा भी चुमने नहीं देगा? पास होने की खुशी अधूरी रह गई माँ, मेरा दोस्त अशोक फेल हो गया। बस सारी दुनिया भर का दर्द किशोर भैया के दिल में है। भैया जिसने मेहनत की वो पास हो गया, जिसने गफलत की वो फेल हो गया। नहीं शोभा, तू नहीं जानती, मुझसे ज्यादा अशोक का पास होना जरूरी था। वो गरीब घर का है, उसके बड़े भाई की जिंदगी का सारा दारोमदार उसी पे है। अब छोड़ दूसरों का गम, पहले ऊपर जा और अपने पिताजी की खुशखबरी सुना। वो तो सोते जाते सपने देख रहे हैं कि तू कब पास होगा और पास होकर बड़ा आदमी बनेगा। जाओ भैया जाओ, डैडी का दिल बाग बाग हो जाएगा। जाओ ना। ये लीजिए बाकी के 30 रुपए। बड़े वक्त पे आए हो धनदास, आज हमें इन रुपयों की सख्त जरूरत। अब देखिए बाबूजी, अगले महीने से मुझे परमानेंट कर दीजिएगा। भाई हम किसी का एहसान नहीं रखते, लेकिन तुम धर्मदास ये मत समझना कि हमने तुमसे रिश्वत ली है, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की है। जरूरत पूरी नहीं की पिताजी, बल्कि यूं कही है, किसी की चिता से आग लेकर अपने घर का चिराग जलाया है आपने। किशोर क्या कह रहे हो बेटा? अरे तुम धर्मदास, तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? ये उनसे क्यों पूछते हैं पिताजी, मुझसे पूछिए। ये मेरे दोस्त अशोक के बड़े भाई हैं। अब मैं समझा इम्तहान के दाखिले के लिए अशोक को वक्त पर रुपया क्यों ना मिल सका। बाबूजी मैं चलता हूँ। पिताजी आप एक दफ्तर के बहुत बड़े अहदेदार, महीने के महीने सरकार की तरफ से आपको 1000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, इस 150 रुपये के मामूली क्लर्क से रिश्वत लेकर आप हमें पाप की रोटी क्यों खिला रहे हैं? किशोर मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, दुनियादारी को नहीं समझते। सच कहा पिताजी, मैं बच्चा हूँ, नादान हूं, इसीलिए तो आज तक समझ न सका कि जिस ठाट बाट से हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उस ठाट बाट की बुनियाद गरीबों की हड्डियों पर रखी गई है। मालूम होता है दूसरे स्टूडेंट की सोबत में रहकर तुमने बगावत सीखी। जरा सोचो 1000 से बनता ही क्या है? तुम्हारी पढ़ाई, घर बार का खर्चा, शोभा की तालीम, समाज में रख रखाव, इन सब कामों के लिए कदम कदम पर पैसे की जरूरत है। ये तो आपकी जरूरतें हुई पिताजी, लेकिन उस आदमी की जरूरत हमको कौन समझेगा?
जिसकी तनख्वाह सिर्फ 150 है, दो वक्त जिसे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, घर का किराया देना है, अपने भाई को पढ़ाना है। मैं तो आपको अपने पास होने की खुशखबरी सुनाने आया था, लेकिन अब पछता रहा हूं। मेरी पढ़ाई पाप से कमाई हुई दौलत के सहारे हुई है। लानत है ऐसी पाए पर, तुफ है ऐसी डिग्री पर, जिसे हासिल करने में किसी गरीब के आंखों का भी हाथ हो। क्या बात है बेटे, क्या बात है? आज ही खुशी के दिन घर में शोर शराबा क्यों? शोर शराबा तो तुमने सुन लिया मां, लेकिन खामोशी से इस घर में अब तक क्या होता रहा है वो भी सुन लो। पिताजी गरीब क्लर्कों से रिश्वत ले लेकर मुझे पढ़ाते रहे हैं। तुम ही बताओ मां, कैसी विद्या मेरे किसी काम आएगी कि मैं खुशी से अपनी डिग्री किसी को दिखा सकूंगा? बेटे बेटे गुस्सा छोड़ दो। गुस्सा नहीं छोड़ूंगा मां, ये घर जरूर छोड़ूंगा। भैया भैया शोभा, आज तू भी ये जान ले हमारे पिताजी क्या है। ये दूसरों की बेबसी का सौदा कर करके अमीर हुए हैं। मैं उस घर में हरगिज नहीं रह सकता जिस घर के सुख और आराम से रिश्वत लालच और जुल्म की बू आती है। बस बस, अनाथ शराब की भी एक हद होती है। मां मैं जा रहा हूं, तुम चाहो तो शोभा को साथ लेकर मेरे साथ आ सकती हो। मैं मेहनत मजदूरी करके तुम दोनों का पेट पालूंगा। भैया ऐसे भी कैसे, अगर डैडी से कोई भूल हो गई है तो उन्हें उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? सजा मैं उनको नहीं अपने आप को दे रहा हूं। अब तो इस घर की दीवारें भी मुझे काटने को दौड़ती है। इस घर की हवा में मेरा सांस रुकता है। अब न मुझे पिताजी से कोई सरोकार है, ना उनकी दौलत से कोई वास्ता। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे लिए इस घर का पानी भी पीना हराम है। ये ट्रॉफियां मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, ये मेरी मेहनत की, मेरी अकल की कमाई है। इस कमाई की इस घर में कोई जगह नहीं। देखा बेटी, धन के लोभ ने आज क्या दिन दिखाया। एक तरफ से अच्छा ही हुआ मां, किशोर भैया के वियोग में डैडी को यह पता तो चल ही जाएगा कि पाप की कमाई हुई दौलत से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। आती ऐसा बुरा काम करते हुए भगवान से डर नहीं लगता? मुन्ने 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 क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे जोर मेरे गले के जोर से चीख रहा था, इन बाबूजी ने मुझे बचाया। चलो मुन्ने बाबूजी के पास हुआ, चलो। अच्छा भैया अब हम चले, भगवान आपका भला करे। मेरा सूटकेस? पागल है जो मेरे नुकसान पे हंस रहा है? पागल मैं नहीं, तू है जो पराई आग में हाथ डालता है। तो क्या भलाई करना है इस दुनिया में पाप है? जब ये बात समझ जाएगा ना तू, तो बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। अरे मूर्ख, ये कल युग है, कल युग जो सीधी राह चलता है उसे रास्ता नहीं मिलता, और जो टेढ़ी राह चलता है मंजिल उसके पास आती है। माल किसी का, कमाल किसी का। अशोक तू मेरे यार, तेरा बैग तू मार के ले गया? हद तेरे की मेरे यार, मैं कोई ऑर्डिनरी मामूली, मैं कोई फटीचर चोर नहीं हूँ। तेरे कोई मार के ले जा रहा था, मैंने फौरन पहचान लिया कि ये सूटकेस मेरे सत्यवान दोस्त है ना, उसी का हो सकता है। अरे तू तो घर गया था ना, वापस क्यों आया? मजबूरन छोड़ना पड़ा। अच्छा अरे चल मेरे साथ चल। कहाँ?
तुझे यतीम खाना नहीं ले जा रहा हूँ, अपने घर ले जा रहा हूँ, रॉयल पैलेस। चल बड़ा खूबसूरत घर कहाँ से लाए ये सर? भगवान घी खोरे को घी और शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है। तू सुना, बंबई क्या करने आया? अच्छा घर छोड़ के चलाया। अरे संन्यास लेने का इरादा है क्या? संन्यास नहीं, नौकरी की तलाश। पिताजी से झगड़ा हो गया था। झगड़ा? तू जैसे शरीफ और नेक आदमी ने झगड़ा किया और वो भी अपने पूछे पिताजी से? अशोक, मैंने अपने पिताजी के असली रूप को देख लिया। वो गरीब क्लर्कों से रिश्वत ले लेकर अपनी जेबें भरते रहे, और तो और तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ा। अरे वंडरफुल यार, तेरे पिताजी तो सचमुच पूज्य हैं। उनके उसूल और मेरे उसूल बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि अगर दुनिया बेवकूफ बन सकती है तो जरूर बनाना चाहिए। मेरे यार, हम जैसी दो ग्रेट शख्सियतों से सबक सीख। देख तो अपना फलसफा अपने ही पास रख। नेकी के फाकों में जो मजा है वो बदी की दावत में नहीं। यार तू तो सचमुच साधु परमानेंट बन गया है। जय जय श्याम घने श्याम, जय जय श्याम। अरे क्या रे? अबे भजन छोड़ अड्डे पे चल। कोई खास काम है? बिल्कुल, लेकिन ये भाई का चौक था जरा नया मालूम होता है, और बिजनेस की बात हर के सामने नहीं की जाती। किशोर मेरे आने तक कहीं नहीं जाना। तेरा अपना घर है, फ्रिजर में बियर है, बार में विस्की है। जिंदगी में कामयाब होना तो दोनों को इस्तेमाल जरूरी है। और नहीं तो ठंडे पानी की बोतल चढ़ा के डनलॉक पे ठंडे ने बात छुपा लेंगे। आज के दिन इतनी सबक काफी है भाई। Thank you.
हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने शो भी लाजवाब किया और बकरे भी अच्छे काटे। ये लो तुम्हारा हिस्सा 25% 500 रुपया, और ये रहा तुम्हारा। शाबाश बॉस, आज क्या हुआ? हाँ। एक ऐसा तैयार बकरा आ गया कि जिसके चारों पॉकेट फुल थे। हाँ। और अपने अशोक ने उस बकरे को ऐसा काटा है, ऐसा काटा है कि बिल्कुल छील डाला बॉस। एक पैसा उसके पास नहीं बचा। हाँ। मुझे तो लगता है अब वो फाटक के बाहर जाएगा ना तो घर पहुंचने के लिए भीख मांगना पड़ेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो मैं जा रहा हूँ आपको कहना। किसी का कमाल किसी का। अरे तुम किधर है? जल्दी से मोची को अपने सूट का नाम दे दे। तो फिर दर्जी को जूते का दे डाल, समझ लेंगे आपस में। इसलिए तुम्हें इंसान बनाने के लिए मेरे यार अपने साथ रहना है ना तो जलवा ये चाहिए। ये पुरानी क्वालिटी के पतलून और भंडारी को शक नहीं करेगा। हाँ, ये ले। मांगे की शान तुझे ही मुबारक। अरे से मांगे की क्या बात है, कॉलेज में तूने मेरी इतनी देखभाल की, मैं तेरे सिर्फ एक कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, बुरी बात क्या? ले ले। अशोक मैं ऐसे कपड़े हरगिज नहीं पहनूंगा जिससे शरीर तो ढक जाए लेकिन आत्मा नंगी हो जाए। मैं कार्निवल में अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ। ये तेरा अमीराना रहन सहन धोखे जुए और फरेब की कमाई। मेरे यार धोखा और फरेब एक आंख है जिसे जानने के लिए दिमाग में अकल चाहिए। अरे वाह वेरी गुड, आपके जमाने में कितना अच्छा सोचता है। ए, टेलर मास्टर मोची मास्टर, तुम कोई दूसरा घर ढूंढो, इधर सारा स्टोरी लंबा हो गया है। क्यों चल चल बैठ के खाना खा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बाप की कमाई का अन्न शरीर में जाकर लहू नहीं बनता अशोक, जहर बनता है। ये कौन सी पार्टी का मेम्बर यार? जाया से तू दोस्त के घर के खाने को जहर कहता है? अच्छी बात नहीं। चल चल बैठ खाना खा। अगर मुझे ऐसे ही खाना खाना होता अशोक तो मैं अपने माँ बाप अपनी बहन को नहीं छोड़ता। किशोर जिद ना कर, मैं तुझे अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा, तुझे अपनी दोस्ती की खा। ऐसे मेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं, कोई संबंध नहीं। मेरे दोस्त मेरी बात तो सुन, तूने ये कैसे कह दिया कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं? मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, लेकिन बरसों की यारी को तू कैसे तोड़ सकता? अशोक भगवान के लिए मेरा पीछा मत कर, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वहां से मुड़कर भी देखना नहीं चाहता। मत देख मेरे दोस्त, लेकिन तू यारी कैसे खत्म कर सकता है? माना कि हमारे विचार अलग अलग हैं, लेकिन अगर तूफान में बहते हुए दरख्त पर एक साधु और सांप एक साथ निभा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अशोक तो जितनी अच्छी दलीलें देता है काश उतना अच्छा आदमी भी होता। बुरा तो मैं, लेकिन उन अच्छों से अच्छा हूं जो अच्छा कहलाकर दिन रात दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं। मेरे दोस्त घर तू छोड़ चुका है, तेरे पास ना नौकरी है ना सर छुपाने की जगह। मैं पूछता हूं कि मुझे भी छोड़ो तू क्या सच्चाई का बिछौना बनाकर उस पर सोएगा? मेरे दोस्त नेकी कोई विटामिन पिल नहीं है जिससे तू अपनी भूख मिटा सकेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि फांकों से मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अरे बेवकूफ आदमी, जिंदगी बाहें फैलाकर तेरा स्वागत कर रही है और तू छी 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 मौत की गोद में सोना चाहता है। तू जिसे जिंदगी समझता है अशोक, वो मेरी नजर में जिंदगी नहीं मौत से भी बदतर है। मैं जानता हूं नेकी और सच्चाई का सफर बहुत लंबा है, लेकिन जिस तरह यात्री हजारों मील का लंबा सफर तय करके जब तीर्थस्थान पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन करके यात्रा के सभी दुखों को भूल जाते हैं। छी 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 छी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा अशोक कि मैं अपनी नेकी दयानतदारी और सच्चाई की वजह से समाज का बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और उस वक्त तू भगवान ना करे पुलिस की रोटियां तोड़ता होगा। हो सकता है उल्टी बात हो जाए किशोर, दौलत बहुत कुछ कर सकती है, इंसान का धर्म ईमान सब कुछ खरीद सकती है। मुमकिन है एक दिन समाज मेरी गुलाम हो जाए और फिर तू तो उस दिन अपनी नेकी और सच्चाई की खाली पोटली लेकर गुमनामी के तारीक अंधेरे में भगवान न करे अपने आंसुओं के तालाब में गोते खा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों हो क्यों नहीं सकता? अच्छी बात है अशोक, तू अपनी राह चल, मैं अपनी राह चलता हूं। 3 बरस की शर्त रही, 3 बरस तक तू अपने आदर्शों पर चल और मैं अपने आदर्शों, 3 बरस बाद इसी महान आत्मा की छाव तले मिलेंगे और देखेंगे तू क्या है और मैं क्या। मंजूर है मेरे यार, लेकिन यार की यारी बगैर 3 लंबे बरस
सच्चाई का झूठा सहारा लिए हुए तू इस झूठी दुनिया की चोटों को सह सकेगा? सच्चाई एक तिनका होती है अशोक, जो सागर को भी पार कर सकती है, और बुराई एक बुरा दर्द, जो आंधी के एक झोंके का मुकाबला नहीं कर सकती। देखा जाएगा, लगी शर्त। 3 बरस बाद। 3 बरस बाद इसी जगह इसी वक्त सच के कांटे तुम्हें मुबारक, हमें मुबारक झूठ की कलियां। अपना तो वही रास्ता जिसमें कदम कदम पर हो रंग रलियां, हो रंग रलियां। झूठ के लाखों रस्ते लेकिन सच्चाई की एक डगर, हर मुश्किल आसान वो समझे जिस दिल में भगवान का डर। ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। साहब, एक दिन मैं भी कार्निवाल देखना चाहता हूँ। अबे रोज तो मेरी शक्ल देखता क्या मैं कार्निवाल से कम हूँ? क्या हुआ चमन? चमन क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? माँ मर गई तेरी? अरे माँ तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी। तो आसमान से टपका रो क्यों रहा? उस नाचने वाली की जान को रो रहा हूँ जो अपने भाई के साथ भाग गई। छी 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 छी, अकल मारी गई है तेरी? लड़की कभी अपने भाई के साथ भागती है? अकल ना मेरी मारी गई है ना तेरी। मुझे पता चला है कि उसका एक भाई बहुत बड़ा चोर डाकू है, दोनों बहन भाई मिल गए और कार्निवल का सारा माल सफा कर दिया। बच्ची कुची खुद चंद को लेकर मैं यहाँ चला आया, पकड़ो वरना लड़ जाऊंगा लकड़ियों। पहले तू नाचने वाली की जान को रो रहा था, अब किसकी? अब कार्निवल वाले की जान को रो रहा हूँ। जब उसे पता चला कि वो नाचने वाली उसकी धुलाई कर गई तो उसने हम सब लोगों की ड्राई क्लीनिंग कर डाली। क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो कार्निवल वाला नाचने वाली का बाप निकला, रातों रात किसी का कुछ दिया बगैर चंपत हो गया, और वहाँ डेरे तंबू वाले चाकू छुरी लिए हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से भाग जाओ। अरे वेरी गुड, वंडरफुल आइडिया। अरे क्या आइडिया है, हम जैसे भागरों का पिछले दरवाजे से भाग जाना ही बेटर है। हम लोग कहीं और जाएंगे, कार्निवल बनाएंगे, कन्याएं हमारे साथ है और इनके पास माल है। माल किसी का, कमाल किसी का। इंस्पेक्टर साहब, आप तो खामखा खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी। मैं कोई स्मगलर नहीं, मैं तो दफ्तर का सुपरिटेंडेंट हूँ। दीनदयाल जी, हमारे पास काफी ठोस सबूत है कि आपने रिश्वत ले लेकर काफी काला रुपया जमा कर रखा है। ये देखिए साहब, इतना सोना रुपया। व्हाट कहिए दीनदयाल जी, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास इतना सोना कहां से आया? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दादी मकान नहीं है, मैं तो किराएदार हूँ, हो सकता है मकान मालिक ने छुपा के रखा हो। बहाना अच्छा है लेकिन बहुत कमजोर है, चलेगा नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि सांस को आंच नहीं, न्याय करने वाला तो वो है। ऊपर वाला तो मरने के बाद फैसला करता है, जीते जी फैसला यहाँ होता है। अमलदार हथकड़ी पहना दो। माँ, दया दया करो साहब, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी जवान बच्ची है, इसके शादी में सब रुकावटें पड़ जाएगी। माफ कीजिए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं कानून का गुलाम। चलिए दीनदयाल जी, चलिए। Thank you.
यात्रा पे जा रहे हो? तो क्या हुआ, इस यात्रा पर बड़े बड़े नेता जा चुके हैं। माँ धीरज रखो, माँ धीरज रखो। डैडी का किया किराया उनके सामने आया, अब तुम्हारे रोने धोने से क्या बनता है? बेटी हमारे हरे भरे संसार में आग लग गई, इस वक्त किशोर होता तो कुछ आसरा होता, लेकिन अब तो दुनिया के सब रास्ते बंद हो गए। माँ दुनिया के रास्ते बंद हो गए तो क्या, भगवान का दरवाजा तो खुला है। माँ देखो मैंने हर चीज अपनी अपनी जगह पे रख दी। घर छोटा, शहर छोटा, अब पराई दीवारों को क्या सजाना। माँ तुमने तो दादी को पल्ले ही बांध रखा है, अब जिस रंग में वो रखेंगे उसी रंग में रहना होगा। हाँ बेटी, जब तक सांस है जीना ही पड़ेगा। ये भी क्या जीना है, तो चार दिन का राशन करने है और आगे अंधेरा ही अंधेरा। माँ तुम चिंता ना करो, मैंने नृत्य सीखा है, किसी कला मंदिर में नौकरी कर लूंगी। मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं कि दो आदमियों का पेट भी ना पाल सकूं। जो बोझ आज मेरे बेटे को उठाना था वो बेटी उठा रही। माँ फिर वही रोने धोने की बात, तकदीर की दीवार से सर तो नहीं फोड़ा जा सकता, ये दीवार तो तकदीर ही से तोड़ी जा सकती है। भगवान ने चाहा तो किशोर भैया से कहीं ना कहीं जरूर मिलाप हो जाएगा। ऐसे नसीब होते तो घर से रूठ कर क्यों चला जाता। अगर तेरे पिताजी उसकी बात मान लेते तो ये दिन देखने को ही क्यों आता। छोड़ो माँ, इंसान अगर जन्म ना लेता तो सुख दुख का सवाल ही ना होता। न्यू ईरा कला मंदिर, प्यार की धूप, लंबा साया, रेल की पटरी। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि हम 3 पिक्चर बना रहे हैं और एक एक पिक्चर में 6 हीरोइन है, यानी कि 18 लड़कियों को चांस है। लेकिन तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है, तुम तो पिक्चर 007 के लिए टॉप हीरोइन रहोगी। जरा खड़ी हो जाओ, वेरी गुड हाइट भी तगड़ी है, बैठ जाओ। हाँ मुस्लिम सोशल पिक्चर के लिए तुम्हारा भी जवाब नहीं है, तुमको भी बहुत चांसेस। तुम किस खुशी में तशरीफ ले आई, क्या तुम भी हीरोइन के ख्वाब देख रही हो? नहीं नहीं, ये तो मेरी मम्मी है। मम्मी? मम्मी यानी कि तरक्की में रुकावट है, फिल्म लाइन में तरक्की करनी है तो मम्मी को डैडी के पास रख। नमस्ते। नमस्ते। और तुम जैसी सीधी साधी लड़की अगर फिल्म लाइन में आ गई ना तो फिल्म लाइन का सारा हिसाब किताब गड़ जाएगा। जवान आया। ओ प्यारे, बाहर ही बाहर है, बड़ा मसाला तैयार है, लेकिन सारा प्रोग्राम शाम से पहले खत्म होना चाहिए, वरना शाम को किराए वाला, फर्नीचर वाला, नकली जेवर वाला, लॉन्ड्री वाला और पुलिस वाला, इसीलिए फटाफट पटाना चाहिए। तुम बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार। अच्छी बात, तो मैं एक एक करके बुलाऊंगा पूरा राजस्थान। तो कुर्सी पकड़ो जल्दी, प्रोड्यूसर तू है। अरे प्रोड्यूसर को तो पिक्चर कंप्लीट होने तक खड़ा ही रहना पड़ेगा ना। टेलीफोन पकड़ो। लड़की नंबर 1 आई। क्या चाल है, बाइबॉट बताशा तक नहीं फूटे। मिलिए, जरा गौर से देखिए और सर से पांव तक देखिए, बॉडी का हर टुकड़ा कविता है कविता। ये अपनी प्रोडक्शन नंबर 1 रेल की पटरी के लिए टॉप हीरो नहीं, टॉप। आपका नाम? कलावती जोगेंद्र पर कुमार। कुमार, अरे वेरी गुड, इस नाम के लड़के तो कई फिल्म लाइन में आए लेकिन लड़की तुम पहली हो, बहुत चांस है, समझ लो कि हीरोइन बन गई हूँ। अरे बिल्कुल सच, हमारे साहब ने जिसको प्यार से देख लिया बस समझ लो बन गई हीरोइन। बिठाओ कुर्सी पे। आप फीस के 100 रुपए लाई है ना? जी हाँ। बैठिए बैठिए, निकालिए जल्दी से। ये लीजिए। मगर ये बताइए कि आपके यहाँ काम करने के पैसे दिए जाते हैं या लिए जाते हैं? तुम भी कहाँ लेने देने के चक्कर में पड़ गई, ये 100 रुपया तो फोटो वगैरह के खर्चे के लिए, तुम्हारा मीटर तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद चालू होगा। रोमांटिक नहीं, एक ट्रेजेडी पोज, भजन वाला। क्लिक। चलो 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 चलो। ख्याल रखेंगे मगर।
मोहरत तो अच्छी हुई। बकरा नंबर दो, आई मीन बकरी नंबर दो। नमस्ते। आपका शुभ नाम? जी शोभा। माजरा में जानती हो? जी, घर पे हर किस्म का क्लासिकल नाच सीखती रही हूँ। मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, तीनों की तालीम पूरी कर चुकी हूँ। आप किसी शरीफ खानदान की लड़की मालूम होती, आपके घर वालों को फिल्मों में काम करने में एतराज तो नहीं होगा? एक जमाने में एतराज था, मगर अब घर की हालत कुछ अच्छी नहीं, इसलिए मजबूरन। समझ गया, समझ। देखिए, अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिलाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं आपकी कंपनी का नाम रोशन करूंगी। हमें भी आपसे यही उम्मीद है। हमारे कला मंदिर के दाखिले की फीस सिर्फ 100 रुपए है। 100 रुपए? 100 रुपए तो मेरे पास नहीं है। आपके हाथों की चूड़ियां 100 रुपए की जरूर होंगी। ये लीजिए। असली है ना? जी असली है। नौकरी मुझे मिलनी ही चाहिए। वो तो कला की बात है, अगर आप हमारे तखयुल में उतरी तो 100% हीरोइन। नमस्ते। 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 कल सुबह जा। यार लड़की बड़ी गाय मालूम होती। हमारे धंधे में गाय, भेड़ और बकरी सब एक बराबर। शुक्र है। अभी तक सच्चाई और सीधी राह का प्रचार ही कर रहा है या कुछ दुनियादारी भी सीखी है? अभी दुनिया देखी ही कहाँ। चाहिए बता कि तुझे मेरा ये पता किसे बताया? मैं तो इतने बड़े स्टोर का बोर्ड पढ़कर नौकरी की तलाश में अंदर चला है। मुझे क्या मालूम था स्टोर के मालिक तुम हो? तू तो किसी समाज या धर्मशाला का प्रबंधक बन सकता है, किसी फर्म की नौकरी के काबिल नहीं। कारोबार में तो कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। मैं तुमसे नौकरी मांग रहा हूँ और तुम मुझे हेरा फेरी सिखा रहे हो। भाई सच बात यह है कि मैं तुझे नौकरी नहीं दे सकता, मेरा नया नया बिजनेस है। और काम करो शेखर। क्या? इसे गिरवी रख लो और जिंदगी से लड़ने के लिए मुझे 100 रुपए दे दो। श्योर? तूने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं अपने कॉलेज के दोस्त को यूं ही 150 रुपए नहीं दे सकता? मुझे भिखारी ना बनाओ दोस्त। भिखारी? अरे मेहमान बना रहा हूं मेहमान। ये ले 100 रुपए का नोट, जा पहले खाना खा ले। ऐसा लगता है 4 दिन से भूखा है। 4 दिन से तो नहीं, 2 दिन से जरूर। ये ले जा, ये बैग संभाल। वही। अगर ये नोट चल गया तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस आदमी से बहुत काम लिया जा सकता है। दगाबाज, धोखेबाज, बोलते कुछ है करते कुछ है। एक दिन में 200 रुपए का नुकसान। राजू इसे संभाल कर। यहाँ एक फिल्म कंपनी थी। ओ सवेरे से जॉब देता देता थक जाओ ना, जाने आजकल के लड़के लड़कियों क्या भूत सवार हो गया है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मुझे मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई फिल्म कंपनी वाला नहीं है। चोर डाकू उचक के लड़के लड़कियों के पैसे बटोर के चले गए और हमें भी एक चपर लगा के। एक थाली का टोकन, 100 का नोट छूटा नहीं है। टोकन ले जाओ, खाना खा ले, छूटा बाद में ले लेना। मशीन की तरह क्यों शुरू हो रहे हो? प्लेट भी अपनी है, पेट भी अपना है। जी बहुत भूख लगी है, आज 2 दिन के बाद अन्न भगवान के दर्शन हुए। 2 दिन से भूखे हो, बेकार हो क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। ये खोटा नोट नहीं चलेगा। खोटा नोट क्या मतलब? इतना कुछ नहीं, दूसरा नोट निकालो। मेरे पास तो ये एक ही साथ दूसरा कहां चलाऊं? तो फिर हाथ धोकर मेरे साथ पुलिस थाने चलो। सेठी, खाना खाते हुए का हाथ बीच में क्यों पकड़ता है? तो क्या धोखेबाजों के लिए मैंने लंगर खोल रखा है? शोर क्यों मचाता है?
हिरला नोट। चल काउंटर पे बैठ। अच्छा अच्छा, लेकिन जिम्मा आपका? हाँ, मोहब्बत में खाने को आ जाए। खाओ आराम। लेकिन बेकारी में ये 100 का नोट कहाँ से लाए? पास ही एक स्टोर है ना, ट्रूथफुल एजेंसी, उसका मालिक मेरा दोस्त है, उसी से उधार आया। खैर कोई बात नहीं, खाओ। कौन कहता है ये नकली नोट है? ये तो असली। होटल वाले को मैं समझा देता हूँ। ये आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आज भी मैं भूखा रह जाऊँ। हमारे होते कौन भूखा रह सकता है। क्या खराबी है इस नोट में? बदल गए क्या? ए सेठी, तू अपने चश्मे का नंबर बदल, चल बाकी करो प्याला। आज आपका भी पैसा कटोगे? ऊपर जल्दी जाना है क्या? लो भाई, तुम्हारी बाकी की रकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम पूछ सकता हूँ? हम अपना नाम सिर्फ पुलिस वालों को बताते, पब्लिक को नहीं। क्या जमाना आ गया है यार, यार की मदद भी करता है तो जाली नोट से। अच्छा खासा शरीफ आदमी मुजरिम बन जाता। नमस्ते। नमस्ते, क्या काम है बेटी? नौकरी की तलाश है। यहाँ कोई खास वैकेंसी तो है नहीं? ओह, आपका नृत्य कला निकेतन देखकर आशा की एक लहर दौड़ गई थी। सोचा शायद यहाँ कोई सहारा मिल जाए। सहारा? जी, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, अपनी माँ के लिए मैं एक ही सहारा हूँ। अच्छा, क्या क्या जानती हो बेटी? मैंने नृत्य कला का अभ्यास किया है, हर किस्म का क्लासिकल डांस जानती हूँ। आप चाहें तो मुझे अपनी लड़कियों को सिखाने का मौका दें, मैं आपकी आभारी रहूंगी। निराश न हो बेटी, डांस टीचरिस का जॉब तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत से नहीं घबराती, सिर्फ बेकारी से डर लगता है। अब तुम बेकार नहीं, आज से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। शुक्रिया। किशोर, खाने में इतनी देर? अजीब शहर है तुम्हारा शेखर। क्यों, क्या हुआ? यहाँ असली और जाली नोटों की पहचान ही नहीं लोगों को। क्यों, 100 रुपए का चेंज नहीं मिला क्या? चेंज तो मिल गया। फिर क्यों रिटायर हुआ यार? बड़ी जिल्लत से खाना मिला शेखर। कैसे? तुम तो जानते हो मैं 2 दिन से भूखा था। अभी टेबल पे बैठ के मैंने खाना शुरू ही किया था, उसने में काउंटर वाला मुझ पे चीख पड़ा, कहने लगा ये नोट जाली है। मैं तो बड़ा सटपट आ गया। उतने में एक शरीफ आदमी ने दखल अंदाजी की, कहने लगा जरा गौर से देखिए क्या खराबी है इस नोट में। उसके बाद वो काउंटर वाला उल्टा मुझसे माफी मांगने लगा। ये लोग बाकी का चेंज। क्यों शर्मिंदा करता है किशोर, इतने बड़े शहर में खाली क्या घूमेगा क्या? बैठ अपने पास। अगले से ट्रंकल आया है, फैक्ट्री में इसी वक्त रुकना चाहिए। तो ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाओ और ये रकम वहां पहुंचा दो। सॉरी बॉस, आज तो मेरे घर में पुलिस कमिश्नर की पार्टी है। तो फिर इतनी बड़ी रकम किसके हाथ भेजो? किशोर, मेरा एक काम करेगा? कहो। मुझे 1,00,000 रुपया अभी आगरे भेजना है, गैर पे इतबार नहीं कर सकता, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। तू मेरी गाड़ी ले जा और ये 1,00,000 रुपया वहां पहुंचा दे। डर लगता है शेखर, रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो? अरे तू तो सच्चाई का पुजारी है पुजारी, सांझ को आज क्या। मिस्टर शर्मा, गाड़ी ले लो। लो किशोर, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, बेस्ट ऑफ लक। ये लो, जाओ बांट लो। चलो दोस्त की बीवी पर हाथ साफ। क्यों भैया, क्या मेरे लिए भी कोई चोर चक्कर पॉकेट मार ही ढूंढोगे? मैं चोर हूँ, पॉकेट मार, लेकिन बस एक ही अरमान है मेरा कि तेरा हाथ किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दूं जो मेहनत मजदूरी और ईमानदारी की रोटी खाता कमाता हो। अमीना, आज रेस्टोरेंट में मुझे एक बहुत ही अच्छा और मासूम लड़का मिला। जी चाहता था कि उसे पकड़कर घर ले आऊं, लेकिन अपने आप पर ही शर्म आ गई, धंधा जो ऐसा है। चलो पीछा करो।
चोर के घर में चोर। अरे तुम, लेकिन ये खिड़की से देखिए, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, किसी की अमानत है, आप मुझे कहीं छुपा लीजिए। देखा मीना, मैं अभी अभी तुमसे इसी लड़के का जिक्र कर रहा था। आप ये छाता बैठ, नोट दिखाओ। ये नोट तो जाली। जाली? किसने दिए? उसी दोस्त ने जिसने 100 का नोट दिया था। वो नोट भी जाली था। क्या? हाँ, ये देखो तुम्हारा सुबह वाला नोट, जिसे मैंने अपने असली नोट से बदल दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पर शराफत और मासूमियत देखी थी। और ये लोग जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, ये गुंडे नहीं है, पुलिस के आदमी। पुलिस? अब क्या होगा? होगा क्या, नोट किसी ने भी छापे हों, लेकिन इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है, तुम पकड़े जाओगे। और जानते हो नोट छापने की सजा क्या है? 7 साल। जी, सजा? मुझे? मैं तो किसी के पैसे पे नजर रखना भी पाप समझता हूँ। भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। दरवाजा खोलो। पुलिस? घबराओ नहीं, तुम यहीं छुपे रहो। छुपा रहा हूँ? किस लिए? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं साबित कर दूंगा ये नोट मैंने नहीं छापे। मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा। बेवकूफ न बनो, अपने आप को सच्चा साबित करते करते जेल में बूढ़े हो जाओगे, लेकिन शायद फिर भी सुनवाई ना हो। तुम्हें अभी पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा। लाओ ये बैग में दे दो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, करे कोई और भरे कोई। बच्चों की बात ना करो, मेरे लिए जेल जाना या बस में जाना एक ही बात है, लेकिन एक वचन दो कि मेरे पीछे तुम मेरी बहन मीना का ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए। नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, पुलिस वाले तो अपने पुराने दोस्त हैं। भैया, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, बस अभी अभी इस घर में दीवार फंदकर कौन आया? जी वो दरवाजा बंद था, मैं खिड़की से कूद कर आया हूँ। तुम इस बॉक्स में क्या? जिसके लिए आप आए। ओ, जाली नोट। तो हमारा शक सही निकला। मेरे हाथ हाजिर, ये हथकड़ियों की माला तो हमने कई बार पहनी, कई बार उतारी। ले चला इसे। खैरियत इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा बंद कर दो, खुला रहे तो चोर घुसाते। इसी दुनिया में दोस्त दुश्मन हो जाता है, और एक अजनबी किसी के लिए आजादी की खुली हवा छोड़कर जेल खाने की घुटन ले लेता है। दुनिया को मैंने अब दिखा है, अब समझा है, समझ लूंगा शेखर को। चलिए, मैं आपके लिए खाना पूरा देती हूँ। इस खुशी में कि मैंने तुम्हारे भाई को जेल भेज दिया? नहीं, इस खुशी में पहली बार गुनाहों की चार दीवारी में एक नेक आदमी ने कदम रखा है। नहीं नहीं, नेक मैं नहीं हूं, नेक वो है जो जेल गया। अब मेरे इंतजार कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। पुलिस छापा, ये क्या कह रहा है तू? तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए एक मैं ही मिला था शेखर। तुम तो एक अच्छे घर के खाते पीते लड़के थे, फिर जाली नोट छापकर रातों रात अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्या पकता है, मेरे नोट असली थे, जरूर तुमने बदले होंगे। किशोर, तू घर से भूखा रंग आया था, दौलत देखते ही नियत बदल गई तेरी। शेखर, मैं फांकों से अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन पराये धन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है तो पुलिस के सामने जाकर जाली करेंसी छापने का गुनाह कबूल कर लो, और उस बेगुनाह प्रकाश को छुड़ा दो। कौन प्रकाश? मेरा एक हमदर्द, इसी शहर का रहने वाला है। ओ, वो परले दर्जे का बदमाश प्रकाश। किशोर, वैसे तो तू सच्चाई और नेक नियति की डफली बजाता रहता है, और दोस्ती करता है ऐसे आदि मुजरमों के साथ, वो मेरा दुश्मन है। अच्छा, जेल की हवा खा रहा है। जेल की हवा तुम्हें खानी चाहिए। किशोर,
मैं पुरानी दोस्ती के नाम पे चुप हूं, वरना नोट बदलने के जुर्म में और झूठी करेंसी छापने के इल्जाम में मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। शेखर, सच्चाई की जड़ें पाताल में होती हैं, तो मुझ पर हाथ भी नहीं डाल सकता। निकल जाए यहां से, वरना इस शहर की हवा में तेरी खाक उड़ती होगी। नहीं शेख, उड़ जाए, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और अपने जुर्म का इकरार करना होगा। चलते हो या नहीं? चलता हूं। जान प्यारी, या तो चल यहां से। शिखर, प्रकाश के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो नहीं मानूंगा। किशोर, जिंदगी में तो मेरे पांव तले एक छूटी भी ना खुदी जा सके, लेकिन आज अपने बचाव के खातिर मेरे हाथों शेखर का कत्ल हो गया। खून, शेखर का खून, फिर तो पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही होगी। नहीं, हाँ? इस राज को सिर्फ मैं और मरने वाला जानता है। कैसे होगा मेरे हाथों इतना बड़ा पाप, कैसे हो गया मेरा? मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा मैं पागल हो जाऊंगा। भैया, ये क्या हुआ? पुलिस ने आपको छोड़ दिया? अरे पुलिस मुझे क्या छोड़ती, मैं खुद ही पुलिस को छोड़ आया। मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग आया हूँ, लेकिन मीना जल्दी से भेस बदल लो, अब हमारा यहाँ एक पल भी रहना ठीक नहीं। लेकिन जाएंगे कहाँ भैया? अरे इतनी दुनिया पड़ी है, तुम दोनों सुनो, मैं वहां आ जाऊंगा। लेकिन सुनिए, अरे छोड़ो छोड़ो, बाद में सुनूंगा, पहले अपना होलिया ठीक करो, चलो जल्दी करो। क्यों प्यारे,
ये सूरज डूबते समय किसके ध्यान में समाधि लगाए बैठे हो? दोस्त याद आ गया। कौन है वो? वही किशोर। अच्छा, वो नेकी राम सच्चाई चंद भैया कहीं भूखा मर रहा होगा, कौन जाने किस हाल में होगा। अरे भैया, जब अपनी हाल पतला है तो उसका हाल मोटा कहाँ से हो सकता है। अच्छा, वो सौ का पत्ता तो खत्म हो गया, रात के खाने का क्या होगा? बस ये चूड़ियां रह गई। तो फिर लाओ, जल्दी से इनको ठिकाने लगा दूं, वरना चोरी का माल जेब में रखने का मतलब है हम जहाँ कहीं भी हो जेल खाने से दूर नहीं। तो फिर जल्दी से इन्हें बेच के खाने पीने का बंदोबस्त करो और रात को रहने का इंतजाम। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, भूख लग रही है मुझे। अरे बस गया नहीं कि आया नहीं। बेटी, किसे मालूम था एक दिन हमारे घर में चूल्हा आपको और बर्तन अनाज को तरसेंगे। तू फिक्र ना करना, मैं सब ठीक कर लूंगी। कैसे? हमारे पास चांदी के ऐसे दो ग्लास है ना, उन्हें बेचकर राशन लेंगे और फिर दो तीन दिन में मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, जब तक ऐसे काम चला लेंगे। हाँ बेटी, भूख बड़ी लानत है, इसके लिए सब कुछ बेचना पड़ता है। मुझे भी, मैं बेच आती हूँ, तेरा काम पर जाने का समय हो रहा है। भगवान भला करे उसका जो तेरी चूड़ियां भी ले गया। चूड़ी क्या देख रहे हो सेठ जी, बेचने वाले की तरफ देखो, असली सोने की है। सबर करो भाई, सबर करो, यहाँ बेईमानी का धंधा नहीं होता। किसी की मजबूरी का धंधा तो होता है सेठ जी। क्या दिन थे जब ये चूड़ियां मेरी बीवी की कलाई में खन खन बजती थी। काश बाबागंज जिंदा होती सेठ जी, तो आप देखते कैसी बोरी कलाई किसी अप्सरा की भी नहीं होगी। क्या तुम्हारी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया? हो गया सेठ जी, हो गया। स्वर्ग की चीज थी, स्वर्ग को चली गई। जब आपका स्वर्गवास होगा ना, तो आपकी उससे जरूर भेंट होगी और आप देखेंगे कि मैं मरने वाले को सच्ची रो रहा हूँ। कीमत क्या लगाई है? 290 रुपए। 290 बस सेठ जी, आपको मरने के बाद मेरी घरवाली को मुंह दिखाना है और उसकी स्वर्ग में बड़ी चलती है सेठ जी। थोड़ा इधर बढ़ा दो, उधर काम आ जाएगा। ऐसा करिए कि आप पूरे 300 का डालिए। ये दो चांदी के ग्लास दे। आई पहले सोना तो बिक जाने दो, फिर चांदी का टक्कर चला। सोने की चूड़िया है माई, मैंने तुमसे पूछा कि ये तुम्हारा चांदी का ग्लास चांदी का है कि नहीं है, फिर ये क्यों पूछते कि चूड़ी किसकी है? सेठ जी, हमारी चूड़ी है। तुम्हारी? हाँ। बेच तो ये रहा। कैसे बेच सकता है, ये चूड़िया तो मेरी बेटी की है। इस धोखेबाज ने मेरी बेटी को नौकरी का लालच देकर ये छीनी है। माई क्यों बुढ़ापे में झूठ बोल के नरक का टिकट कटा रही हो? सेठ जी, तुम तो 290 निकालो। नहीं नहीं सेठ जी, आप पुलिस को जल्दी बुलाइए। राहुल से भागो। क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई। कैसे? जहाँ चूड़ियाँ बेचने गया था ना, उस दुकान पर वो लड़की की माँ गई, उसकी चूड़ियाँ पहचान ली, पुलिस पीछा रही है, उसे भागो। आज हम आए ना अब तक बार।
मैं आपको ढूंढ रहा था। मेरी चूड़ियों के पास है। आपकी चूड़ियों? वो तो मेरा वो पार्टनर था ना जी, वो सब उसी के करतूत थे। बहुत घटिया आदमी था, मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत मनाया, लेकिन क्या करूं, अपनी अपनी तकदीर होती है। मुझसे दबा आना एहसास हो आ गया। मैं चाहूँ तो अभी आपको पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। जी हाँ, कर तो सकती है, लेकिन करने से पहले आप अपनी चूड़ियाँ ले लीजिए। ये चूड़ियाँ अभी तक आपके पास है? देखा, अगर मैं चोर हूं तो बेच डालता, लेकिन मैं जानता था कि आप एक अच्छी शरीफ लड़की हैं और आपके साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक शरीफ आदमी को चोर समझ बैठी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। शोभा दीदी, शोभा दीदी, शोभा दीदी, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। आइए मैं आप भगवान का शुक्र करो कि जान बच गई। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट था, दूसरे जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मुझे डर है आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऑप्टिक नर्व खराब हो चुकी है। माँ, मेरा क्या होगा? माँ, मेरा क्या होगा? बेटा धीरज रखो, रोने धोने से क्या बनता है। आप इनके रिश्तेदार हैं? जी जी नहीं, रिश्तेदार तो नहीं, हम दर्द बन सकूं यही बहुत है मेरे लिए। आप भी इन्हें तसल्ली दीजिए। दुनिया भर की मुसीबतों के पहाड़ मुझे पे टूटने, कदम कदम पे किस्मत मेरे साथ क्यों मजाक कर रही है? कुदरत कभी बेरहम नहीं होती, इंसान ही हैवान बन जाता जो अपने मोह के लिए दूसरों की जगमगाती दुनिया में अंधेरा भर देता। जिसने तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी छीनी, वो भी एक हैवान था। ऐसे हैवानों से भगवान ये धरती जल्दी खाली करते तो अच्छा है, ऐसे लोगों को जीने का क्या हक है जो अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी में आग लगा देते हैं।
उसने जिंदगी ऐसी मुझे निकाल दे, आया हूँ शर्मसार मैं अब तो मुझे बना दे, अब तो मुझे बना दे, मेरे गुनाह माफ कर, मेरा ज़मीर साफ कर, मेरे यसू मेरे खुदा ओ मेरे परमात्मा, अब मगर अपना ही रास्ता दिखा, अपना ही रास्ता दिखा, मेरे गुनाह माफ कर, मेरा ज़मीर साफ कर, मेरे यसू मजदूरी भगवान की पूजा है। बेटा न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, इस वक्त वो मेरे पास होता तो मुझे आंखों की रोशनी चले जाने का दुखी क्यों होता, मैं दुनिया को उसी की आंखों से देख लिया करती। ये दुनिया देखने के काबिल नहीं माँ जी, मुझे ही अपना बेटा समझिए। डॉक्टर ने आपको फल खाने को कहा, मैं थोड़ा सा फल लाया हूँ आपके लिए। लेकिन लेकिन तुम्हें ये मुझसे हमदर्दी क्यों? सुना है हमदर्दी की फुहार से पांखों की स्याही धुल जाती। जिस भगवान ने रात बनाई उसी ने दिन भी बनाया। बेटा
बेटा एक तुम जो मेरे कुछ न होते हुए मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा कर रहे हो, और एक पापी वो भी था जो अपने गर्व के लिए मुझे अंधी बनाकर चला गया। भगवान उसे क्षमा करे। माँ जी, वो पापी मर चुका। मर गया? तुम कैसे जानते हो? मैं उसे अच्छी तरह जानता था माँ जी, उसकी चिता मैंने अपने हाथों जलाई है माँ जी। ये तो बहुत बुरा हो, आखिर वो भी किसी माँ का बेटा होगा। माँ कैसी हो? माँ अच्छी हूँ बेटी। अशोक बाबू आप? बेटी तू यही जानती है? जी बेटी, ये कोई बड़ी नेक आत्मा है, बड़ी लगन से मेरी सेवा कर। भगवान करे मेरी उम्र भी इसे लग जाए। नहीं माँ जी, नहीं, मैं आशीर्वाद के काबिल नहीं। कितना पवित्र है तुम्हारी माँ का दिल, अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच सकता। इंसान किसी का बुरा सोचने वाला कौन होता है? चार दिन की जिंदगी भलाई के लिए कम है, पाप क्यों कमाना। अल्लाह के नाम पे बाबा यहाँ देगा वहाँ लेगा। अल्लाह के नाम पे बाबा कहाँ जा रहा तू? यहाँ देगा वहाँ लेगा। पैसा लेगा कि मकान लेगा? चो 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 वन वन स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल करेक्ट। अरे उस्ताद तो बहुत कर दिया तुमने। अरे वाह रे वाह रे वाह। देसी है। किशोर और मीना पहुंच गए? आज सवेरे ही पहुंच गए, अभी बुलाता हूँ। अरे मीना, किशोर, दरवाजा बंद। दरवाजा। अल्लाह अल्लाह। अरे भाई, बाबा तुमसे मिलने आए हैं। अल्लाह अल्लाह। मुझसे क्या कहा? बच्चा, तुमने नई दुनिया में कदम रखा है, हम तुम्हें दुआ देने आए हैं। जरूर दीजिए बाबा, जरूर दीजिए। नई दुनिया कौन सी बाबा? बच्चा, तूने झूठी शराफत के मोहल्ले को छोड़कर डाकुओं के पाप और साथ मोहल्ले में घर बसाया है। बच्चा ये देख उस मोहल्ले का। कैसा फेस बनाया? मैं तो आपको पहचान ही नहीं। नहीं भैया, हमें पहचानने वाला चश्मा अभी बना ही नहीं। तुम लोग सही जगह पर पहुंच गए। मीना जी, ये चने नहीं चलेंगे, इसके साथ कुछ खाने का बंदोबस्त हो सकता है? क्यों नहीं भैया, अभी लाएं। हाँ मीना बहन, तकलीफ को खाना खिलाना बड़े सवाब का काम है। मदन जी, नई जगह है, जरा चौकन्ना रहना। हाँ गुरु। और कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हमें अपना धंधा शुरू कर देना चाहिए। गुरु परसों है पूर्णमासी, परसों से अपना धंधा चालू। अब गुरु, देसी तो तुम्हें चलेगी नहीं, विलायती का बंदोबस्त करके आता हूँ। किशोर जी, नए शहर में पहली चोरी उजाले में करनी चाहिए, और फिर परसों तुम्हारा भी तो नया जन्म होगा। जी मतलब? परसों हम दोनों गुरु और चेला एक ही वक्त में मुख्तलिफ रास्तों पर अपना अपना शिकार ढूंढने निकल जाएंगे। जो कुछ तुम्हें मिलेगा गुरु दक्षिणा समझकर मेरी भेंट कर देना, और जो कुछ मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बख्श दूंगा। प्रकाश बाबू, क्या जिंदगी में पेट पालने का और कोई रास्ता नहीं? तुम्हारे लिए रास्ता था, लेकिन शेखर के खून से पहले। शेखर? आपको कैसे पता चला? बरपुरदार, जिस तरह हर नया बच्चा पैदा होने पर उसका नाम सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी में लिखाया जाता है, इसी तरह हर डाके और हर खून की खबर सबसे पहले हमें मिलती है। यकीन कीजिए प्रकाश बाबू, मैं शेखर की जान नहीं लेना चाहता था, वो मेरी जान के पीछे पड़ा था, हाथापाय में उसी के चाकू से उसकी जान चली है। श्योर, जिस भगवान ने ऋषि मुनियों की कुंडली लिखी है, उसी भगवान ने डाकू और खूनियों की भी कुंडली लिखी है। शेखर अपने चाकू से मारा गया या तुम्हारे हाथ से, किस किस को यकीन दिलाते फिरोगे? अपनी मासूमियत और बेगुनाही को साबित करते करते थक जाओगे, फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो तो हालात। हालात क्या, अभी तुम बच्चे हो, तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता।
अगर लड़ सकता तो हम लोग डाकू और लुटेरे ना बनते, कोई अच्छा काम करते। इसलिए जिस हाल में हो मस्त रहो, मर्द बनो। परसों पूर्णमासी। आंखें तो मेरी, मगर मुझे एक अच्छा बेटा दे। शोभा जी। माँ, अशोक का कमरा तैयार कर दिया? हाँ माँ। अशोक जी। देख बेटे, अब मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। माँ की छाया को दुनिया तरसती है, और मैं उस छाया को पाकर छोड़ दूंगा? आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, फैक्ट्री का टाइम हो गया। अच्छा बेटे। माँ, मुझे भी देर हो रही है, मैं जाऊँ? जाओ बेटे जाओ, ये तू ले लो। अच्छा अशोक बाबू, बीए तक पढ़ने के बाद भी क्या आप लोहाई कूदते रहेंगे? अच्छी नौकरी की तलाश तो जरूर है। दरअसल कल ही मैंने अखबार में पुलिस में भर्ती होने का इश्तेहार देखा, उसका एप्लीकेशन मैंने टाइप करके अपने जेब में रखा हुआ। जेब में क्यों? इसलिए कि आज मेरा जन्मदिन है, सोचा कि जिंदगी का ये नया साल शायद अच्छा साबित हो, वैसे आज ही पोस्ट कर दूंगा। आज आपका जन्मदिन है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए मीठा बना लेती, कोई तोहफा ले आती। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या ये कम है? मुबारक हो, मुबारक हो। आज तुम्हारी जवानी ने बुढ़ापे की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। अरे मुझे हार और क्या पहना? तो क्या इनको पहनाऊंगा? इनको तो हार तुम ही पहनाओगे, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल। अच्छा मैं चलता हूँ, चपरासी पहले काम पे जाता है। अशोक बेटे, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ माता जी, लेकिन मैं कभी उसे मनाता नहीं। अरे चल बेटे, ये अंगूठी मैंने अपने बेटे की सालगिरह पर बनवाई थी, भूख और फाकों में भी नहीं बेची। ले बेटे। माता जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं जन्मदिन मनाता ही नहीं। देख अब इनकार न कर। धन्यवाद। जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं इसके लायक तो नहीं था, लेकिन कौन जाने कि मेरी जिंदगी के आने वाले दिनों में जोत जगा दे। मैं सभी रख के आता हूँ। पड़ा नहीं, मेहनत मजदूरी भगवान की पूजा होती है, मैंने सोचा कल का काम भी आज ही कर डालूं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आज मेहनत के इनाम का दिन है, यानी के पगार का। पटरिए चलो, ले लेंगे, चलो।
अब इन नोटों में क्या अपनी शक्ल देख रहे हो? चलो देख रहा हूँ मेरे कल और आज में कितना फर्क पड़ गया है। पैसे में बस कल भी था लेकिन जो खुशी इनमें है वो नहीं थी। तो फिर इसी खुशी में टी पार्टी हो जाए। एक नहीं दो। तो चलो चलो बॉय। अबे बैठ 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 तू अपना हाजमा टेस्ट कर रहा है? खाया जा रहा है यार? पता नहीं क्या बात है, जब से हलाल की खाना शुरू किया ना पूरा डबल हो गई है। शायद इसलिए कि मेहनत करना पड़ती नहीं। फिलहाल तो तू आराम की खा रहा है। वो कैसे? बिल तो मुझे देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं प्यारे, बिल तो मैं भी दे सकता हूँ लेकिन मैं हूँ चपरासी और तुम जरा ऊंचे है। लेकिन आजकल के जमाने में चपरासी का माल सब ऊंचे खाते हैं लेकिन तुम उस क्वालिटी का आइसक्रीम नहीं हो। चलो अब तो बिल ही लिया यार। खटक चलो भाई। भैया आँखों वाले हो ना? माफ करना, दिन को जरा कम दिखाई देता है। बख्शा। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, कोई चोर अंदर छुपा हुआ था, जैसे हम लोग अंदर दाखिल हुए इसका बटवा मार के भाग गया। बटवा चोरी हो गया मुझे इसका अफसोस नहीं। हाँ यह गम जरूर है कि मैं अपनी कमाई की पहली तनख्वाह माता जी को भेंट नहीं कर सका। सुना माँ? हाँ बेटी, जिस चरम गली ने मेरे अशोक का बटवा चुराया है भगवान उसे वहाँ मारे जहाँ पीने को पानी लगो। जरा देखिए तो सही, कपड़े वगैरह यूँ ही बिखरे पड़े हैं, कोई और चीज तो नहीं गई। ले गया अंगूठी, ले गया। मुबारक हो गुरु, मुबारक हो किशोर। सबको मुबारक हो। हम दोनों का पहला हमला कामयाब रहा। ये लो बखुदा मेरी आज की हाथ की सफाई। और गुरु ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा। अरे असली लगता ये तो? भाई वाह, हमें तो सिर्फ कागज ही मिले और तुम्हें चांदी। बरपुरदार आज से तुम्हारी चांदी हो गई। भैया। अरे गुरु जरा देखो ये असली है या नकली। ओहो काफी वजन है इसका तो। और गुरु इस पे तो नाम भी खुदा हुआ है। नाम? हाँ नाम खुदा हुआ है इस पे। अरे ये तो क्या लिखा है, किसी अपने ही नाम वाले पर सफाई कराए। बेटे इतनी जल्दी लौटा है? लौटा तो बहुत देर से। इस आवाज में मुझे अपनापन सुनाई देता है। किशोर, बेटे। माँ, किशोर। माँ, इतनी आंखों को क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ तेरी आंखों को? कुछ मत पूछ बेटे, कुछ मत पूछ। तेरे चले जाने के बाद घूम के कई पहाड़ सर पर टूट पड़े, तेरे पिताजी को जेल हो, लोग लाश से शहर छोड़कर हम यहाँ चले आए, शोभा बेटी को नौकरी करनी पड़ी, एक मोटर मुझे कुचल कर चली गई, जान तो बच गई मगर आंखें चली गई। माँ की आंखें तो उसकी संतान होती है बेटी। रो मत बेटे, अब तो आ गया है ना तो मुझे क्या गम। बेटे सुना तो, इतने दिनों से तू कहाँ रहा? घर छोड़ने के बाद मैंने दुनिया के कई रंग देखे। काम काज क्या करता है बेटे?
किसी की गुलामी नहीं करता हूँ माँ। जिस तरह दुनिया दौलत पैदा कर लेती है उसी तरह मैं भी पैदा कर लेता हूँ। शोभा कहाँ है? भाजी तरकारी लाने गई है। अच्छा माँ मैं अब चलता हूँ, शोभा से फिर कभी मिलूंगा। इतनी जल्दी जाता बेटा? हाँ माँ, वो मेरा सारा कारोबार रात को ही होता है, दिन में दूसरे हिस्सेदारों से मुझे हिसाब किताब करना पड़ता है। शोभा को मेरा प्यार दे देना। माँ चिंता मत कर, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, तेरी आंखों की रोशनी फिर आ जाएगी। आया और चला गया है सरकारी लिफाफा। अरे पुलिस कमिश्नर का लेटर तेरे नाम, कहीं तेरी पुरानी फाइल तो नहीं खुल गई? जल्दी खोल, जल्दी खोल। मुझे तो लगता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। बस बाजी मार ली मैंने। मेरे यार मैंने पुलिस में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन भेजा था, मुझे बुलावा आया वहां से। अच्छा वेरी गुड, तो फिर एक पार्टी और हो जाए। पहले मुझे शोभा को खबर करनी। शोभा को खबर करनी है? तेरी गलती नहीं है, अंग्रेज सिखा के गया है ना लेडीज फर्स्ट। शोभा 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 शोभा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी ही खुशी की बात थी तो जरा सब्र से काम लिया होता, घर पहुँच जाते, मैं न मिलती तो माँ से कहा होता। माँ जी से सब बातें नहीं कही जा सकती, कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो सिर्फ खास लोगों से कही जा सकती। अच्छा जी, तो अब तक हम सिर्फ खास लोगों में ही से हैं आपकी नजर में। मेरी नजर में तुम क्या हो शोभा, ये मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, कह नहीं सकता। तो फिर आप ये आप कब तक चलता रहेगा? जब तक जी चाहे तब तक, अकल अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी। शोभा मैं दीवाना सही, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल में घुट कर रह जाती हैं, ये दूरी अच्छी नहीं। आदमी तो लंबे चौड़े हो लेकिन अकल जरा मोटी है। क्या अशोक? शोभा अब तो दूरी मिट गई? नहीं अब मिटी। अच्छा आप तो खुशखबरी सुना। ओ मैं तो भूल ही गया, ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। सच? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ, इतने बड़े जहान में दो चार दिन प्यार के मिल जाए तो बहुत है। की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के तो चार दिन, प्यार के तो चार दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के तो चार दिन, प्यार के तो चार दिन। सौ बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के तो चार दिन, प्यार के तो चार दिन। प्यार ही से ये जमीन है, प्यार ही से प्यार ही से ये जमी है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां। प्यार शब्द प्यार शोला, प्यार ही बादे सबा, फूल कलियां चांद तारे सब मोहब्बत के निशान। सौ बरस
पास की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। प्यार के दो चार दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। प्यार के दो चार दिन मोहब्बत दो दिलों का खूबसूरत राज है, ये मोहब्बत दो दिलों का खूबसूरत राज है। दिल की धड़कन जिसकी सरगम है यही वो साज है। चाहे भवरे का हो नगमा या पपीहे की सदा, प्यार कहते हैं जिसे वो एक ही आवाज है। सौ बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। प्यार के दो चार दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। प्यार के दो चार दिन। प्यार के दो चार दिन। माँ को खुशखबरी पहले मैं सुनाऊंगा। तुम क्यों सुनाओगे? मैं सुनाऊंगी। वाह, पुलिस में तुम भर्ती हुई हो या मैं? अरे वाह, अभी से पुलिस वालों की अकड़। क्यों नहीं? अरे मेरा डबल डबल हक है। कौन सा? एक तो माँ मेरे, दूसरे तुम मेरे। माँ, अशोक बाबू अब हमारे हाथ से गए। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ माँ, अशोक बाबू पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। अच्छा? हाँ, कितनी खुशी की खबर सुनाई। मैं भी तुझे एक बहुत खुशी की बात सुनाती हूँ। मेरा बेटा किशोर आया था। सच में? तो भैया मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? अरे अब तो हर रोज आता रहेगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भगवान सब की सुनता है, मेरे बेटों की जरा देर से सुनी। मगर सुनी तो सही। हाँ माँ जी, आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद तो भगवान का है बेटी, इसलिए तुम्हारे सर पे हाथ रखे। चलो उसके दर्शन करो। माँ तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मैं पूजा की थाली भी तैयार करके लाई हूँ। अच्छा चलो बेटी। आप लोग के लिए मैं भी मंदिर को कराया हूँ, मुझे दफ्तर जाना है। का हकदार किशोर है। हमारे टोले के रिवाज के मुताबिक जो आदमी दो खून कर डाले
और एक बड़ा डाका मारे, ये राजगद्दी उसे सौंप दी जाती। किशोर, आज से तुम्हारा नाम किशोर नहीं बल्कि बाबी सितारा। बाबी सितारा की जय। शोभा, जाने वाले जाकर नहीं आते, सिर्फ उनकी याद आती है। अब माँ की याद के सिवा और रह भी क्या गया है, न जाने दुनिया को क्या हो गया है। इंसान की जिंदगी की कीमत छोटी से भी कम हो गई है। भगवान उस खूनी के माँ का भला करे जिसने उसे जन्म दिया। शाबाश किशोर, शाबाश। बुढ़िया की आत्मा तुझसे बड़ी प्रसन्न हो, तूने उसका निर्वाण कर दिया। बेचारी अपने अंधेपन से थक गई होगी। अरे गुरु, आस पास के इलाके में बागी सितारे की धाक बैठ गई है। धाक क्यों नहीं बैठेगी, वीरों का वीर जो ठहरा। बागी सितारा? हाँ, वही मशहूर डाकू जिसने जनता और पुलिस दोनों को परेशान कर रखा है। वो यहाँ से भागकर हमारी ताला इत्तला के मुताबिक नार्थ की तरफ चला गया। अशोक, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। यस सर। अगर बागी सितारा तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हो गया तो जनता का भला होगा, पुलिस की नेकनामी होगी और तुम्हारी तरक्की भी होगी। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं फर्ज को अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझूंगा। बागी सितारा को जिंदा या मुर्दा लाना मेरा धर्म। वेल सेट। इस मामले में वहां की पुलिस को इत्तला दी जा चुकी है, वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेगी। ये रही इस केस की फाइल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दोस्तों, बैंक से लूटे हुए 10 लाख रुपए में से 5 लाख तुम सब आपस में बांट लो और बाकी के 5 लाख हमारे गैंग के फंड में जमा कर दो। जब गैंग ही नहीं रहेगा तो फंड को क्या करोगे? गुरु, ये आप क्या करें? मेरे आदमियों ने अभी अभी खबर दी कि हमारे ग्रोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से किसी इंस्पेक्टर अशोक को मुकर्रर दिया गया है। अशोक? क्यों, इस नाम से झटका क्यों खा गए? यूं ही इसी नाम का एक पुराना दोस्त याद आ गया। काश आज वो मेरे साथ होता, हम दोनों मिलकर सारी दुनिया को लूट लेते। आजकल कहाँ है? क्या मालूम। खैर छोड़ो दोस्त की याद, अब सबसे पहले हमें इंस्पेक्टर अशोक को खत्म करना है। तुम लोग भी अपना अपना जाल बिछा दीजिए। और हाँ मदन, मीना से भी कह देना कि वो होशियार रहे। इंस्पेक्टर अशोक की मौत हमारी जिंदगी है और उसकी जिंदगी हमारी मौत है। बागी सितारा की जिंदगी समाज के लिए मौत और पुलिस की तोहिन बन गई। लेकिन उसे पकड़ना भी तो जान जोखों का काम है। फर्ज के सामने जान की कोई कीमत नहीं शोभा, तुम्हारी दुआओं से मैं उसे पकड़ने में जरूर कामयाब होऊंगा। जहाँ नियत होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद जरूर होता है। आशीर्वाद? भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे एक दोस्त का भी आशीर्वाद है शोभा। काश कि आज वो मेरे साथ होता, मुझे इस हाल में देखकर बहुत खुश होता। कौन दोस्त? था एक सच्चाई का फरिश्ता। प्यारे, मदद के लिए हमें साथ ले लो। नहीं चमन, पुलिस का मुलाजिम मैं हूँ, तू नहीं। तुम पुलिस के मुलाजिम हो तो क्या हुआ, मैं भी जनता का सेवक हूँ, विदाउट पे काम करूंगा। हो सकता है कि मैं तुमसे पहले बागी सितारा को पकड़ लूँ। पहले एक मक्खी तो पकड़ के दिखा। मक्खी? ठीक है, चल 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 चल, मैं आता हूँ। चल चल, मैं आता हूँ। अच्छी बात। अच्छा सुबह में चलो, वहां जाती तुम्हें लिखूंगा, अपना ख्याल रखना। जा नहीं डालनी, मुझे छूना नहीं। मैंने कसम खाई है कि जब तक बागी सितारे को नहीं पकड़ लूंगा तुम्हें छूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू।
आप इंस्पेक्टर अशोक हैं? करेक्ट। मैं यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस के प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। लेकिन खाकी वर्दी में एक भी नहीं। साहब के ऑर्डर है कि मैं आपको अकेले रिसीव करूँ, क्योंकि चारों तरफ बागी सितारे के आदमी फैले हुए हैं। करेक्ट। अब भी आया। आइए इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है कमिश्नर साहब, छोटी गाड़ी वहां पर थी। चुपचाप बैठो, चलो शुरू। शुरू? इसका मतलब शुरू? चलो बताओ, आपकी फॉर्म भरा के लेके जा रही भाई। साफ निकलता है, किसी पार्टी का मन होता है चलता हूँ। मगर ये तो बताओ जगह कौन सी है, बड़ी गर्मी हो रही है। घबराओ नहीं, हम ठंडा कर देंगे। मीना बहन, ये नया पैसेंजर कौन है? फर्स्ट क्लास पैसेंजर, हमारे लिए अलीबाबा का खजाना, इंस्पेक्टर अशोक। इंस्पेक्टर अशोक, प्लीज टू मीट यू। शाहजहां, इसके साथ क्या किया जाए? बागी सितारा इसका फैसला कर देगा। हिफाजत से अंदर बंद कर दो, बड़ा कीमती सामान है। कीमती तो है, मगर अंदर मन करने की मुसीबत। नहीं, ये तो वो नहीं हो सकता। ए, क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ कि जो ज्योतिषी ने कहा था शायद वो बिल्कुल सही है। और ज्योतिषी ने क्या कहा था? ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी मौत किसी जेंटलमैन जेंटलमैन हरामी के हाथ से होगी। तू मुझे हरामी कह रहा है? आपको नहीं, जो मुझे मारेगा वो। अच्छा, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि हरामी की मौत जेंटलमैन के हाथ से कैसे होगी। उल्टा उल्टा उल्टा, बंदे को बल दे, हाथ भी बांधो भाई, वरना मैं भाग जाऊंगा। आज मैं कोहनूर हीरा ले आया हूं। कोहनूर हीरा? अरे गुरु, बड़ा गजब किया, बड़ा मनहूस होता है। इसकी छाया जिस पर पड़ती है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम उसे खत्म कर देंगे। मैं इंस्पेक्टर अशोक को पकड़ लाया। इंस्पेक्टर अशोक? गुरु, ये कितने इंस्पेक्टर अशोक हैं? मीना बहन अभी अभी एक इंस्पेक्टर अशोक को पकड़ के लाई, जिसको मैंने काल कोठरी में बंद किया। क्या इंस्पेक्टर अशोक? हाँ ठीक। खैर, इसका फैसला बागी सितारा करेगा। हमारे आदमी उसको पकड़ के ला रहे हैं, उसे भी काल कोठरी में बंद कर। अच्छा, कभी हरामी के साथ। वेरी गुड, एक से भले दो, सब खा जाएंगे चक्कर जब देखेंगे इंस्पेक्टर दो। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मालूम है, हम लोगों ने दो दो इंस्पेक्टर अशोक पकड़ रखे हैं। दो दो इंस्पेक्टर अशोक? हाँ, दो दो। और गुरु का कहना है कि इसका फैसला बागी सितारा करेगा। चलो ऊपर। ये कहां गए? ये तो गायब हो गए। गुरु, गुरु क्या? गुरु भागे। ये इंस्पेक्टर तो बहुत ही 420 निकले। पुलिस को हमारी जगह का पता लग गया है, फौरन ये जगह बदल देनी चाहिए। मगर जाएंगे कहां? जाओ, सबको इतला कर दो, जाओ। आपको मोटर का जरूरत, अपने को पैसेंजर का जरूरत। बस में पैसा बचता है, टैक्सी में टाइम बचता है। बोलो क्या रहता है, खोलो दरवाजा। अच्छा चलो चलो, जल्दी चलो। इज्जत के साथ अंदर लाओ देवी जी को।
अरे क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? गुरु गजब हो गया गुरु। क्या हुआ? मीना बहन पकड़ी गई। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये खाकी वर्दी वाला उन्हें टैक्सी में बैठा कर ले गया। इसका मतलब पुलिस मुसलसल हमारा पीछा कर रही है। इसमें क्या नई बात है, पुलिस तो सदियों से हमारे पीछे लगी होगी। मुझे परेशानी मीना की वजह से, कहीं ऐसा ना हो पुलिस उसने जाति करा और वो हमारे राज हो। श्योर, मीना मेरी बहन, मुझे मालूम है मौत उसे नहीं डरा सकती। ठीक है गुरु, लेकिन औरत कमजोर चीज का नाम है। अगर मीना ने कमजोरी दिखाई तो मेरी पिस्तौल की गोली उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगी। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन है। जब तक वो हमारे राज को अपने सीने में दबा रखे, उसके पास नहीं। मेरा उन डाकुओं से कोई संबंध नहीं। बेशक। और ये भी कहो कि उस कार्निवाल की चोरी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। रोजी, तुम बागी सितारे को अच्छी तरह जानती हो। बागी सितारा? मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब तो सुन लिया है रोजी, इसी तरह बता दो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तुम कानून के हाथों से नहीं बच सकती रोजी। तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ 10 सेकंड का फासला है। बागी सितारे का पता मुझे दे दो, सरकारी गवाह की हैसियत से तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना मैं मजबूर हूँ। सिर्फ 10 गिनूंगा रोजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सितारे, बहादुरों की तरह जीना सीखो। मीना मेरी बहन थी, अपने असूल के लिए मैंने उसकी जान दी। याद रखो, जो दूसरों का खून बहा सकते हैं वो अपने अजीज का भी खून बहा सकते हैं। आज 15 अगस्त है, आज का दिन मेरे लिए बड़ी याददाश्त का दिन, जब मैंने डाकुओं की धर्म कथा को अपनी बहन के खून से लिखा। 15 अगस्त? हाँ 15 अगस्त। लो, अच्छा हो तुम मुझे आज की तारीख याद दिला दी, एक भुला हुआ वादा याद आ गया। कैसा वादा? एक पुराने यार से मिलने का। आज से ठीक 3 बरस पहले हम दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ते वक्त आज ही के दिन मिलने का वादा किया था। गुरु मैं चलता हूँ, मेरा दोस्त मेरे लिए तड़प रहा हो। बागी सितारे को पकड़ने के लिए जो प्लान मैंने अख्तियार किया, अगर कामयाब हो गया चमन तो बस 2-4 दिन की बात। तो ये बागी सितारा न हुआ जी का जंजाल हो गया। जब देखो बागी सितारा, बागी सितारा। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन भैया तुम ये क्यों बोल रहे हो कि शोभा आ रही हो? तुम्हें फिर से जाना है? अरे शोभा आने वाली है आज। अरे शोभा तुम आ गए? हाँ, स्टेशन पे लेने तक नहीं आ सकते थे? शोभा तुम तो जानती हो मैं यहाँ किस सिलसिले में आया हूँ, कभी धूप जमानी पड़ती है, कभी गोली चलानी पड़ती है, कभी खून खराबा करना पड़ता है। चमन, नहीं खून खराबा नहीं करना पड़ता है। तुम जाओ। मैं जाता हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। हाँ? तुम जाओ। अरुवा चलो भैया। शोभा मैं तो स्टेशन पे जरूर आया था, तैयार भी हुआ था, बस निकलने वाला था कि कमिश्नर साहब का फोन आ गया, वहाँ बुलाया। भाई शशि जल्दी से चाय लाना, बड़े बस जल्दी से चाय पी लेते हैं, कमिश्नर साहब ने बुलाया है। आज के दिन हमने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद किया था और प्रतिज्ञा की थी कि हम इस दिन की लाज उम्र भर निभाएंगे। आज के दिन हमने जो वादे किए थे वो वादे हमें निभाने होंगे। 15 अगस्त 1969 का दिन हमें अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। 1969, 68, 67, 66 3 साल बीत गए। 3 साल। शोभा मुझे कहीं जाना है। कहाँ? अपना वादा निभाने, अपने दोस्त से मिलने। लेकिन आपको तो कमिश्नर के यहाँ जाना है। कमिश्नर साहब मेरा इंतजार कर सकते हैं,
मेरे दोस्त को मेरा इंतजार नहीं होना चाहिए शुगर, नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है, यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है, यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। है दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अपनी तो हर सुबह होली, अपनी तो हर शाम दिवाली, जो दिन की ये दुनिया प्यारे साथ नहीं है जाने वाले, जिसका मन हो साफ गिरकर भी ऊपर चढ़ जाता है, चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है, यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, सच के कांटे तुम्हें मुबारक, हमें मुबारक झूठ के कलियां, अपना तो वही रास्ता जिसमें कदम कदम पर हो रंग डलियां, झूठ के लाखों रास्ते, झूठ के लाखों रास्ते, लेकिन सच्चाई की एक डगर, हर मुश्किल आसान वो समझे जिस दिल में भगवान का डर। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है, यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त। अपने मुंह से कुछ बोल तो सही। जब यारों के दिल आपस में बात कर रहे हो तो जुबान का काम। यार मैं तो सोच नहीं सका कि तू इतना बदल जाएगा। यार तू तो वैसे का वैसा ही लट है। अच्छा ये बता, शादी कर ली अभी तक वैसे? यार मैं तो शादी बहुत जल्दी करने वाला हूँ।
अच्छा ये बता, होने वाली भाभी कैसी है? काली गोरी लंबी चौड़ी? अरे बिल्कुल देवी जैसी है, तू देखेगा तो पागल हो जाएगा। अच्छा ये तो बता, पिताजी से मुलाकात हुई, माता जी कैसी है, तेरी बहन कैसी है? सब ठीक है। इन तीन वर्षों क्या क्या किया तूने, कहाँ कहाँ गया, जमाने से कुछ सीखा या सिखाया, बोल। अशोक 3 बरस में वो सब कुछ कर दिखाया जो 300 बरस में भी नहीं हो सकता था। जिंदगी ने कई करवटें ली, बड़ी रंगों भरी कहानी है मेरे दोस्त। हाँ तेरी जिंदगी में कोई लड़की आ गई? कोई मुझसे अच्छा दोस्त मिल गया तुझे? दोस्त नहीं मेरे दोस्त, एक दुश्मन जरूर मिल गया है। वो मेरे खून का प्यासा है और मैं उसके, उसे मेरी तलाश है और मैं उसकी तलाश में हूँ। मुझे बता कौन है वो? मेरे दोस्त के दुश्मन का खात्मा मेरे हाथ से क्यों ना हो? जोश में मत आ मेरे दोस्त, दुश्मन के खून से हाथ रंगना अच्छी तरह सीख गया हूँ। ये तू बोल रहा है? हाँ दोस्त मैं बोल रहा हूँ। नहीं मेरे यार, तू तो जमीन पे पांव धीरे से रखता था कि कहीं तेरे पांव तले कोई चोट ना कुचली जाए। अरे तू तो बड़ा अहिंसक था। तू मजाक कर रहा? मजाक नहीं मेरे दोस्त, वो आदमी क्या जो वक्त के साथ न बदले। मैं समझता हूँ दुनिया बदल सकती है, मेरा दोस्त नहीं बदल सकता। सब कुछ बदल सकता है मेरे दोस्त, मुझे देख, इन 3 वर्षों में मैंने कितनी जेबें साफ की, कितने डाके डाले, कितने घरों को लूटा, उसका अंदाजा तो नहीं लगा सकता। तूने तो कहा था कि बदी की दावत में मजा कहाँ जो नेकी के फाकों में है। सच्चाई वो तिनका है जो सागर को भी पार कर सकता है। हार में गई सच्चाई और जहन्नुम में गई नेकी। जिस दुनिया में नेकी के लिए कोई जगह नहीं मेरे दोस्त, वहां नेक बनना बेवकूफी है। मेरी पूरी बात तो सुन ले दोस्त, तुझे याद है कॉलेज में रेडियो पे संगीत सुनकर मैं झूमता था, याद है? आज उसी तरह गोलियों की सनसनाहट सुनकर मैं झूमता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ मेरे दोस्त, गुंडे लुटेरे और कातिलों के बहुत बड़े गैंग का मैं लीडर हूँ। बाकी सितारे का नाम सुना है तुमने? मेरे दोस्त वो मैं। तू बागी सितारा है? हाँ अशोक मैं वही हूँ। मेरा दुश्मन एक सीआईडी का ऑफिसर है, जब तक उसके खून से मैं अपने माथे पर टीका न लगा लूं, इन आंखों को नींद नहीं आएगी। खैर छोड़ इन बातों को, तू सुना क्या गुजरी तेरे साथ? मेरी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। ये 3 बरस लोगों की खिदमत, गरीबों की सेवा और इंसाफ का साथ देने में गुजरे हैं। गरीबों की सेवा, लोगों की खिदमत, इंसाफ का साथ, ये सब तू बोल रहा है? मैं नहीं मानूंगा। कैसे नहीं मानेगा मेरे दोस्त, अगर तुझ जैसा इंसान शैतान बन सकता है तो क्या मुझ जैसा शैतान इंसान नहीं बन सकता? वाह, वक्त भी खूब करोड़ बदलता है। मैंने तेरा चोला पहन लिया और तूने मेरा। अच्छा ये बता, आजकल तू करता क्या है? मैं? मुझे भी एक दुश्मन की तलाश है। वो मेरा पीछा कर रहा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। हम दोनों में से किसी एक की मौत आंख में चोली खेल रही है। तेरी क्यों? उसकी मौत आंख में चोली खेल रही है। जल्दी बता कौन है वो? मेरे दोस्त के दुश्मन की मौत मेरे हाथ से होगी। नहीं मेरे दोस्त, ये शुभ काम मैं अपने हाथ से करना चाहता हूँ। पिस्तौल, पिस्तौल तेरा, हिम्मत मेरी, यहाँ भी यार की यारी काम आएगी। जैसे यार की मर्जी। हैंड्स अप किशोर। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं हकीकत है किशोर, मैं ही वो ऑफिसर हूं जिसके खून का तू प्यासा है। वो CID ऑफिसर तू है।
मतलब मुकाबला तो दोस्तों में होगा। दोस्ती का वास्ता देकर तू मुझे मेरे फर्ज से नहीं भुला सकता किशोर। लेकिन ये मत भूल अशोक, मैं तेरा सबसे पुराना दोस्त हूँ। मैं फर्ज को दोस्ती से ज्यादा समझता हूँ। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरे फर्ज में मेरी मदद करेगा। देख अशोक, देख देख, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या तू मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा करेगा? याद कर वो कॉलेज का जमाना जहां मैंने कदम कदम पर तेरी मदद की। हाथ ऊपर रख, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं प्रकाश, नहीं। मेरे राखी बनवाता चलाया हूं उसी हाथ से अपनी बहन पर गोली कैसे चलो? जिस हाथ से मैं राखी बांधा करती थी वो एक चोर डाकू और कातिल का हाथ ही था। उधर के हमारे बहुत साथी मारे गए। बाकी को लेकर निकल जाओ, मैं इनको रोकता हूं। किशोर!
तो पुलिस के हवाले कर दे। शोभा तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। मैं कोई मुजरिम नहीं जो भागू। देखो शोभा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है लेकिन तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। मेरी बात मानो, भागो यहाँ। दोस्त, एक ही दोस्त। तो फिर के दोस्त की जान लोगे? जी तो ये चाहता कि ये मेरी जान ले ले, लेकिन इस वक्त मैं किशोर का दोस्त नहीं, कानून का गुलाम हूँ। तुम बीच मत आना शोभा, तुम्हें एक न एक ही कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, भाई की या प्यार की। अशोक, अपने आप को मेरे हवाले कर दो किशोर, मैं एक दोस्त का कातिल नहीं बनना चाहता। दोस्त, अभी से तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि मौत मेरी होगी? हो सकता है तुम्हारी गोली का निशाना मैं बनूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि एक दोस्त की कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर आए। कोई परवाह नहीं, एक दोस्त की मौत दूसरे की जिंदगी होगी। कितनी खूबसूरत है ये मौत, जान भी जा रही है तेरे दोस्त के हाथ में। किशोर, जिस गोली ने तेरी जान ली वो कानून की गोली थी, लेकिन जिस गोद में तेरी जान जा रही है वो तेरे दोस्त की गोद है। अच्छा, मरने से पहले एक बात का जवाब दे, जीत किसकी हुई, झूठ की या सच्चाई की? जीत तेरी हुई किशोर, सच्चाई का सबक तूने मुझे सिखाया। मेरे यार, तू उसे भूल गया, मुझे याद रहा। नहीं अशोक, जीत तेरी हुई है। अच्छे से बुरा बनना बहुत आसान है, बुरे से अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। भैया, मैं जिंदगी में तुझे कुछ नहीं दे सका, आज मरते वक्त एक आखिरी भेंट दिए जाता हूँ, वो भेंट जो तेरी मांग का सिंदूर बनी। भैया, अशोक, शोभा तुझे सौंपी, इसे एक डाकू की बहन मत समझना। मेरे दोस्त, उम्र भर की यारी को जिंदगी की आखिरी घड़ी में दुश्मनी का नाम ना दे। मेरे दोस्त अच्छा, अब मैं प्रस्थान जी भर के रो लो आज।
शायद तुम्हारे सच्चाई के आंसू मेरी आत्मा को भटकने से बचा ले। दोस्त मैं चला। यादें छोड़कर? यादें हर मुश्किल आसान वो समझे जिस दिल में भगवान का डर।